आज देश गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देता हूं। 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। लोकतंत्र की हमारे इतने वर्षों की गौरवशाली यात्रा में संविधान सतत मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। संविधान ने देश में समता, एकता और बंधुत्व की भावनाओं को प्रोत्साहित कर हर क्षेत्र की उन्नति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। आज के दिन हम संविधान को साक्षी रख सकें, गणतंत्र दिवस पर ऐसे त्योहार के रूप में मनाएं जो हम देश के प्रति अपने दायित्वों और संकल्पों का पूरा करने का दृढ़ प्रतिज्ञ करें। आज देश के अंदर लोकतंत्र की 75 वर्ष की लंबी यात्रा में जहाँ भारत का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, पारदर्शी हुआ है, जवाबदेह हुआ है, जनता की उम्मीदों के लिए पूरा हो रहा है, मुझे आशा है देश की जनता अटूट लोकतंत्र पर विश्वास करती है और जनतंत्र पर विश्वास करते हुए अधिकतम मतदाता मतदान करे ताकि हम 100% मतदान की ओर बढ़कर हमारे चुनाव आयोग जो निष्पक्ष और निर्भक्षता से अपना चुनाव का प्रबंध करता है उनको भी इस मौके पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने संविधान के अंदर जनता और जनता के लिए जनता की सरकार, जनतंत्र के अंदर जनता को बीच में रहकर जो संविधान बनाया था उसकी हम सब आज पालना करें।